उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की आज से शुरुआत हो रही है। हाई स्कूल और इंटर दोनों का पहला पेपर हिंदी है। हाई स्कूल छात्रों की परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू होगी, वहीं इंटर छात्रों का हिंदी का पेपर 2 बजे से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में 56 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। इस बार परीक्षा में कई अहम बदलाव किए गए हैं। परीक्षा में 7,784 केंद्र पर 56 लाख विद्यार्थियों पर लाइव वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। जिला कंट्रोल रूम के साथ साथ ही राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेल भी लगातार नजर रखेंगे। वहीं बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने वाला कोई संगठित गिरोह सक्रिय न हो सके, इसके लिए एसटीएफ का कड़ा पहरा भी होगा। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बोर्ड परीक्षा के दौरान एसटीएफ को पूरी सतर्कता बरतने के साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर संभावित भीड़ को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। वहीं यूपी सरकार प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। तो आज से परीक्षाएं शुरू हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं का जो दौर है वो शुरू हो रहा है और पहला पेपर यहां पर अगर देखें तो हिंदी का पेपर है। इंटर और हाई स्कूल दोनों ही छात्र और छात्राएं आज इम्तिहान की घड़ी है और आज पहला दिन, और ऐसे में हर कोई भगवान का आशीर्वाद लेता हुआ नजर आ रहा है और मनोकामना कर रहा है कि जो उनका पेपर है, जो उनकी परीक्षाएं हैं, वो सफलपूर्वक हो। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक मॉनिटरिंग सेल की है। दरअसल नकल विहीन परीक्षाएं कराने का इस बार मकसद प्रशासन का है, सरकार का है, और इसी को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। 56 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं इस बार इन परीक्षाओं में शामिल होंगे, लेकिन कई अहम बदलाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। 7,784 केंद्र, 56 लाख विद्यार्थियों पर जहाँ वेबकास्टिंग के जरिए अपनी लाइव नजरें यहां पर उनकी होने वाली है। तो जिला कंट्रोल रूम के साथ साथ ही राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेल भी लगातार नजर बनाए रखेगा। और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आदित्य, आज काफी अहम दिन उन 56 लाख विद्यार्थियों के लिए जो इंटर के जरिए, हाई स्कूल के जरिए अपनी परीक्षाएं देंगे, लेकिन क्या जो अहम बदलाव किए गए हैं इस बार, क्या दिक्कतें ऐसे में शिक्षार्थियों को होने वाली है, विद्यार्थियों को होने वाली है? देखिए, इस बार जो है उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षाएं हो रही है उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यह है किसी भी सूरत में नकल नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ये दावा किया हुआ है कि इस बार नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। इसके तहत यहाँ पर 1,91,000, पहले 1,90,000 कैमरे लगने थे, सीसीटीवी फुटेज लगने थे हर कमरे में। कुछ एग्जाम रूम बढ़े हैं जिस वजह से 1,000 के करीबन कैमरे बढ़ाए गए हैं, तो अब 1,91,000 कैमरे लगे। हर परीक्षा कक्ष में 2-2 कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा साउंड रिकॉर्डर भी लगाया गया है, अगर किसी भी तरह से बोल कर नकल कराने की कोशिश की गई तो वो भी रिकॉर्ड होगी। आपको बता दें जो इसमें बहुत बड़ी जो नई नई बातें हो रही है वो ये है इस बोर्ड परीक्षाओं में कि कंट्रोलिंग हर जिले की डीएम के यहाँ पर हो रही है, जिलाधिकारी की देखरेख में हो रही है। इसके अलावा एक एक पर्यवेक्षक शासन स्तर से हर जिले में तैनात कराया गया है, और जो मॉनिटरिंग रूम डीएम के यहाँ पर बना हुआ है उसकी मॉनिटरिंग शासन स्तर पर डायरेक्टर साहब एजुकेशन के यहाँ पर हो रही है। कुल मिला के इसमें 454 और सख्ती की जा रही है किसी भी सूरत में नकल ना होने पाए परीक्षा केंद्रों में। जी चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल हमारे साथ आदित्य जुड़ने के लिए।